एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। इस ऑथराइजेशन एसेंशियल फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स। हाय फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स क्या हानिकारक है? एंटीबायोटिक्स दुरुपयोग से क्या होगा? एक हेल्थ मिनिस्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकता है? कुछ दिनों पहले केरला का हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा कि गंभीर बारिश के कारण केरला में लेप्टोस्पोरोसिस फैल रहा है, इसलिए राज्य के समस्त लोग डॉक्सीसाइक्लिन जरूर लें। डॉक्सीसाइक्लिन का न्यूज़ यूट्यूब में आया है, इसी कारण केरला के बाहर भी लोग डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल कर सकता है। इस वजह से यूट्यूब में प्रस्तुत किया मेरा न्यूज़ पॉडकास्ट आप सबके लिए हिंदी में भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। मगर क्या है यह एंटीबायोटिक्स? आपको जानकारी होगा कि डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुमूल्य एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यह फायदेमंद है। लेप्टोस्पायरोसिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मानव और पक्षी मृगादियों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डॉक्सीसाइक्लिन एक इलाज है। निमोनिया, टीबी, गनोरिया, साल्मोनेलोसिस इत्यादि इन्फेक्शन का इलाज डॉक्सीसाइक्लिन से करते हैं। गूगल सर्च करने पर सबको यह मालूम होगा, पर सबसे प्रमुख है यह एंटीबायोटिक्स कितना दिन और डोसेज में इस्तेमाल करना है। इसकी जानकारी होना महत्वपूर्ण है। इसके और अन्य एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से बहुत हानि पहुँचते हैं। चंदा का वोट पाकर विजयी हुआ एक एमपी, एमएलए या मंत्री एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन और अन्य रेगुलेटरी बोर्ड का मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री और मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस इसके लिए अनिवार्य है। मेले में या लाल किले के प्रांत प्रदेश में मूंगफली बेचने वाले के उतना सरलता से एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। हेल्थ मिनिस्टर को इसके बारे में ज़रूरी जानकारी होना चाहिए। यूएसए जैसे राष्ट्र में जहां मानवता का मूल्य है और जीवन को सबसे कीमत मानता है, वे सब राष्ट्रों में मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री और मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो हर 2 या 3 साल में रिन्यू करना है, वहां बिना एक्टिव लाइसेंस एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना कानूनी जुर्म है। इसके तोड़ने पर कड़ी सजा हो सकता है, क्यों न वह अमेरिकन पर्सन हो। जुर्म करने पर अमेरिकन पर्सन को भी सजा भुगतना पड़ता है। इंडिया के लोगों को यह बचना मुश्किल होगा। प्रत्येक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अलग अलग एंटीबायोटिक्स है। जिस डॉक्टर मरीज का जांच करता है, लैब रिपोर्ट के आधार पर सही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। मरीज का उम्र, वजन इत्यादि ध्यान में लेते डॉक्टर एंटीबायोटिक का स्ट्रेंथ, डोज, ड्यूरेशन इत्यादि का फैसला करता है और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू करता है। यह एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के दौरान जो बैक्टीरिया मरीज का पाचन प्रतिरोधकता इत्यादि के लिए आवश्यक है, वो भी इन्फेक्शन हेतु बैक्टीरिया के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। यह अवसर का भरपूर लाभ उठाकर बहुत सारे कीटाणु मरीज के शरीर में घुस जाते हैं और अन्य रोग फैलाते हैं। इसी कारण मरीज के शरीर में प्रतिरोधकता बनाने के लिए योगी चिकित्सक एंटीबायोटिक थोड़ी दिन और जारी रखते हैं। लेकिन कुछ लोग यह समझकर कि मेरा बुखार उतर गया है और एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं,
समझकर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बंद करता है। कुछ लोग अज्ञान लोगों के कहने पर इसको बंद करेंगे। यह स्थापित करता है कि एंटीबायोटिक्स शुरू या बंद करने से पहले योग्यता प्राप्त डॉक्टर से सलाह मशवरा ले। इसके बिना एंटीबायोटिक्स न ले या शुरू किया एंटीबायोटिक्स बंद न करें। अगर ऐसा किया तो बहुत हानि हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? WHO के अनुसार दुनिया भर सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाला दवाई है एंटीबायोटिक्स। इसके दुरुपयोग से बहुत सारे बैक्टीरिया जो मामूली और साधारण एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते थे, वे ज़्यादा हानिदायक और मारक बन जाते हैं, क्योंकि इस नए स्ट्रेन बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक्स अब तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बहुत रिसर्च और समय का ज़रूरत है। इसलिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यह कहते हैं और इसमें ज़्यादा जोर देते हैं कि ज़रूरत से अधिक या आवश्यकता से कम एंटीबायोटिक्स या गलत एंटीबायोटिक न ले, क्योंकि इसी कारण से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य बक्ष क्षेत्रों का सबसे बड़ा समस्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। यह कोई भी देश में किसी को कोई भी उम्र में हो सकता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से कई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और नए किस्म का बैक्टीरियल स्ट्रेन बन जाते हैं, जिसका इलाज अब उपलब्ध नहीं है। इसके कारण निमोनिया, TB, गोनोरिया, साल्मोनेलोसिस इत्यादि बीमारी के लिए जो फायदेमंद एंटीबायोटिक्स थे, वे निर्वीर्य हो गया है और बीमारी मारक बन गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण मरीजों को ज़्यादा दिन अस्पताल में बीतना पड़ते हैं। मरीजों की दवा दारू का कीमत भी बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चे डायरिया के लपेट में आ जाते हैं, उनका मृत्यु संख्या बहुत बढ़ जाते हैं। गोनोरिया जो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण इलाज करना मुश्किल हो गया है और उससे मृत्यु संख्या ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स। एंटीबायोटिक्स उपयोग शून्य होने के कारण USA में प्रतिवर्ष 35,000 यानी 10,000 में एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, क्योंकि पहले जो एंटीबायोटिक्स काम करता था, वह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से नाकाम हो गया है। अगर हमें यह माने कि USA के इलाज को बराबर इंडिया के इलाज के बराबर है, फिर भी इस कैलकुलेशन से इंडिया में हर साल 140,000 मृत्यु एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होता है। अगर मंत्री बिना जोश के कहना के अनुसार लेप्टोस्पायरोसिस के लिए लोग डॉक्सीसाइक्लिन लेना शुरू करें, तो भविष्य भयंकर होगा। पड़ोसी का माँ अगर पागल हो गया तो देखना कितना आस्वादनीय है। एंटीबायोटिक स्टीवरशिप क्या है? अनावश्यक एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम करने और बिल्कुल बंद करने के लिए USA प्रयास कर रहा है। एंटीबायोटिक इलाज के बाद उन मरीजों का जांच पड़ताल बहुत गहराई से करते हैं। इसके दौरान मरीज को सबसे कम कितने डोज और कितने दिन के लिए एंटीबायोटिक्स में रखना चाहिए, इसका निर्णय भी डॉक्टर करता है। डॉक्टर्स के लापरवाही से मरीज को अगर हानि पहुंचता है तो
उन मरीजों को भारी मुआवजा दी जाती है। इंडिया में ऐसे मुआवजा न होने के कारण मंत्री वीणा जोर जैसे लोग आम जनता के जीवन से कुछ भी कर सकता है और वोट भी जीत जाते हैं। WHO वेब पेज, द लैंसेट, USCDC इत्यादि से यह पॉडकास्ट तैयार किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर करने से कई लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने ना भूलिए।